शख्स आज के जमाने में कितने टैक्सेस आ गए हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एंड अब तो फैट टैक्स भी आ गया है। मान लीजिए आप गए हैं शॉपिंग करने के लिए एंड आपको एक गारमेंट पसंद आया है जिसका प्राइस है लेट्स से 1000 रुपीज एंड आपको वो गारमेंट चाहिए इन साइजेस अबव एक्सेल एंड 2XL, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको शायद उस गारमेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े। इसको हम कहते हैं फैट टैक्स। एंड शार्क्स, देयर वाज अ नीड फॉर अ ब्रांड जो ऑनर करे लोगों की इंडिविजुअलिटी को एंड हेंस अंगरखा वाज बॉर्न। अंगरखा है एक ऑनलाइन साइज इंक्लूसिव क्लोथिंग ब्रांड जो बनाता है एक्सट्रीमली फैशनेबल, कूल, ट्रेंडी कपड़े फॉर ऑल साइजेस एंड अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज लाइक ड्रेसेस, स्कर्ट्स, कोऑर्डिनेट सेट्स एंड ऑल्सो इंडियन वेयर। हमारा स्पेशलाइजेशन है कस्टमाइजेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे साइजेस के प्राइस हैं बिल्कुल सेम। हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। हमने आज तक 10,000 प्लस कस्टमर का ऑर्डर्स फुलफिल किया है और हमारा सोशल मीडिया पे 55,000 प्लस फॉलोअर्स है। wow. और हम इंडियन वेडिंग मार्केट एंटर कर रहा है फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स वेयर। हम अंगरखा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं इन द साइज इंक्लूसिव कैटेगरी, सो दैट जब भी कोई शॉपिंग करने जाए ये ना बोले काश ये मेरे साइज में होता। हेलो शार्क्स, मैं हूँ असाना रियामाई और मैं हूँ विशाखा भास्कर और हम हैं अंगरखा के फाउंडर्स। शार्क्स, हमारा आस्क है 40 लाख रुपीज फॉर 5% इक्विटी। एंड नाउ शार्क्स प्रेजेंटिंग टू यू अंगरखा। आपका नाम है विशाखा? हाँ जी। आपका नाम नहीं समझ पाया था। असाना। असाना, yes. क्या मतलब होता है असाना का? ये है मेरा पेट नेम क्योंकि मैं मणिपुर से आई हूँ। wow. जो नाम रखा है बहुत लंबा है और मिस प्रोनाउंसिएशन होता है, तो मेरी मम्मी पापा ने छोटा नेम दिया है सो दैट सबके लिए आसान हो। आसान इज असाना। यस यस, और इसमें ना ऐड कर लिया। सो स्वीट। लेकिन बता तो दीजिए आपका ओरिजिनल नाम, एक बार सुनने में अच्छा लगे। संगाई लोंगले प्रिया माय। ओह वाओ। तो पहले मैं जानना चाहूंगा आप दोनों की क्या कहानी है, जर्नी कहां, बैकग्राउंड्स क्या है आपके? मैं श्रीराम कॉलेज कॉमर्स से हूं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है मैंने वहां से, बट मेरी इंटरेस्ट नहीं था वहाँ। सो इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज मैंने फैशन ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट किए, मोस्टली ऑन मिड साइज एंड प्लस साइज फैशन। सो थ्रू आउट दैट जर्नी मैं इतनी सारी लड़कियों से ऑनलाइन कनेक्ट हुई जिनसे मुझे रियलाइज हुआ कि एक प्रॉब्लम सबको आती है कि साइज अगर बड़ा है तो स्टाइल, फैशन वो बिल्कुल भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस इनके लिए कपड़े बनाने हैं। एंड देन आफ्टर माई कॉलेज मैंने फर्स्ट डिजाइनर फैशन जॉब मैंने जो पिक करी वहाँ मैं असाना से मिली। देन एक दो साल के बाद मैंने सोचा कि चलो अब टाइम है, अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया एंड उसके एक साल बाद मैंने असाना को कॉन्टैक्ट किया कि क्या आप आना चाहोगे। सो शी वाज ऑल गेम। असाना, आप बताएं अपने बारे में कुछ। एक्चुअली मैं दिल्ली में आई हूँ कॉलेज करने के लिए एंड साथ साथ आई वॉज वर्किंग एंड सपोर्टिंग माई सेल्फ। When I joined the fashion industry, मेरे को लग रहा कि अच्छा ये मेरे लिए सूट करेगी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है ये कपड़ा बना के ये सब करने में। असाना जी, आप मणिपुर में कहाँ से हो? तमेंगलोंग। It's one of the most underdeveloped district in India. क्या आबादी है वहाँ की? 30,000 to 40,000 होगा बस, ये छोटा सा है। वहाँ से बहुत लोग कम निकल के दिल्ली आते होंगे कॉलेज के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो आपने जो जर्नी तय की वो in itself is a huge step. मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है। Oh, wow. अच्छा। तो उसने बताया कि जाके एक्सप्लोर करो एंड ही वाज ओपन, उसकी वजह से आई हैव रीच्ड टिल हियर। तो असाना और विशाखा, आपको सचमुच इंडिया में ये बॉडी शेमिंग जिसे कहते हैं, मोटी मोटी बुलाते हैं, उसकी टारगेट मैं भी बन चुकी हूँ। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं ओनली प्लस साइज के लिए फैशन बनाती हूँ और ना कि सब साइजेस के लिए? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन द प्लस साइज इंडस्ट्री ये है कि वो प्लस साइज लोगों को एक आउटकास्ट की तरह फील करवाते हैं। हम उनको इंक्लूसिव फील करवा रहे हैं कि आपके लिए अलग सेट ऑफ कलेक्शन नहीं है, आपके लिए अलग सेट ऑफ साइज चार्ट नहीं है,
आप इसी का ही पार्ट है। लेकिन आपकी स्टार प्रोडक्ट्स या बल्क जो बिजनेस आएगा वो प्लस साइजेस से आएगा, करेक्ट? नॉट रियली। अभी हमारी वेबसाइट पर देयर इज अ 50-50 रेशियो ऑफ नॉर्मल साइजेस एंड प्लस साइजेस। वी डू नॉट प्रमोट आवरसेल्फ एज अ प्लस साइज ब्रांड। मोस्टली हम बताते हैं कि प्लस साइज की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम एक साइज इंक्लूसिव ब्रांड है। बिकॉज लेट्स जस्ट फेस इट, शायद प्लस साइज ब्रांड से भी प्लस साइज लोगों को खरीदने में डेफिनेटली एम्बैरेसमेंट होती है। गुड पॉइंट। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी फिरौदी की। मेरी जो वाइफ है वो भी प्लस साइज है, वो भी हमेशा ढूंढती है तो बहुत मुश्किल नहीं मिलते साइज में कपड़े। आई हैव बीन विद हर इन मॉल, ढूंढने के लिए साइज कहाँ मिलेगा, राइट? प्रॉब्लम ये जेन्युइन है, ये प्रॉब्लम है। आप वेबसाइट दिखाना चाहेंगे अपनी? हाँ जी। ओह नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत ही न्यू एज डिजाइनिंग है। किसने करी ये डिजाइन? मैंने। बहुत बढ़िया किया, मतलब अमेजिंग लुक। थैंक यू। क्या मतलब है आपके लोगो का? अंगरखा का मतलब वैसे संस्कृत में होता है प्रोटेक्टर ऑफ योर बॉडी, एंड यही स्टाइल होता है कुर्ते का जो लॉर्ड कृष्ण माइथोलॉजी में दिखाया उनको पहने। थोड़ा एथनिक वियर ब्रांड ज्यादा लग रहा है। दिस इज समथिंग वी वर वेरी क्लियर अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि अगर कभी अंगरखा एक ग्लोबल नेम भी बनता है तो पता चलना चाहिए कि इंडिया से आया है। सेल्स क्या है आपकी? व्हेन वी स्टार्टेड कोविड से पहले उसमें हमने किया है 14 लाख, उसके बाद जब कोविड आए तो 7 लाख, एंड हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है 1.16 करोड़। बहुत बड़ी। Well done. Thank you. 7 लाख से 1.16 करोड़, ये कैसे चमत्कार हो गया? So, जब हमने स्टार्ट किया था, असाना लाई अपना टेक्निकल नॉलेज, मैं लाई अपना सोशल मीडिया का नॉलेज, एंड जो भी मैनेजरियल नॉलेज था, जो हम भूल गए वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो दैट वॉज अ वेरी बिग फैक्टर जो हमने कोविड के 2 ईयर्स में स्टडी किया थ्रू डिफरेंट स्मॉल कोर्सेज, एंड देन जो भी अपनी नॉलेज थी उसको अप्लाई किया, एंड दीज सेल्स आर ओनली थ्रू फेसबुक एड्स। एंड दीज आर ओनली थ्रू योर साइट, मतलब मार्केट प्लेसेस में नहीं बेचते आपको? यस, हमारे ओनली ऑन आवर वेबसाइट। मार्केट प्लेसेस में एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? मार्केट प्लेसेस में देयर इज अ लॉट ऑफ रश कि कल चाहिए, कस्टमर ने अगर कैंसिल किया तो वो आप ही के ऊपर आएगा। सो हमारा इन्वेंट्री तो होता ही नहीं है कि हम कल भेज दें। ऑर्डर करने के कितने दिन बाद आप डिलीवरी देती है? वी यूजुअली डिस्पैच इन 7 to 8 डेज, बट जितने भी हमारे कस्टमर्स आए दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम पॉइंट अभी तक। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि जब कस्टमाइजेशन होता है तब यू नो ऑन स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। हमारे पास कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट ओनली 27% आती है। इंटरेस्टिंग। रेस्ट आर पिक्ड फ्रॉम द साइजेस। लास्ट 2-3 महीने में कैसा रन रेट है आपका सेल्स का? सो इन द मंथ ऑफ मे हमने किया है 13 लाख, जून में किया है 15 लाख, और जुलाई में किया है 24 लाख। वाओ, ऐसा क्या किया आपने जुलाई में? मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाया? हमने मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाया और हमने एक्सप्लोर किया एक न्यू मॉडल कलेक्शन में ही। अभी तक हम सॉलिड्स कर रहे थे, हम प्रिंट्स में गए तो वो हमने बोल दिया कि एक्सक्लूसिव है, आपको इतना ही मिलेगा, आपको लेना है आप ले लो, उसके बाद नहीं मिलेगा। स्मॉल बैच प्रोडक्शन तो वो निकल गया। सही है, गुड स्ट्रेटजी। कितना मार्केटिंग स्पेंड किया 24 लाख की सेल के लिए? वी डिड 2.9 लाख। दैट्स इट। दैट्स इट। एक यूनिट इकोनॉमिक्स ही पूरा समझा दीजिए हमारे को, इतने का बेचते हैं, इतने का बनता है। हाँ, लेट्स से कि एक ड्रेस है, मान के चलो ये वाला है, वो 2900 का है, तो ये है मेकिंग कॉस्ट है 900, the cost, raw materials, stitching, zip, button, सब मिला के। हाँ, उसके ऊपर आएगा GST extra। कितना परसेंट लगता है GST? 12%। 12%, तो वो निकाल देते हैं हम 335 रुपए। लॉजिस्टिक्स कितना? 100-150 रुपए। हाँ, 100। 100 रुपए। और मार्केटिंग कॉस्ट इसके अंदर? अराउंड 300। तो आपका इवेंचुअल हर प्रोडक्ट पे, आपने जैसे ये 2900 का बेचा तो इसमें आपका इवेंचुअली तो 1500 रुपए तक बचा, करेक्ट? 1200 रुपए बचा। 1200 रुपए बचा। यस। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट काफी कम था, इट वाज अराउंड 20%। अभी हमारा नेट प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल लाइक दिस फाइनेंशियल ईयर हम ऑलरेडी 35% टच कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए साल कमा रहे हैं आप इस बिजनेस से, व्हिच इज कमेंडेबल, मतलब अमेजिंग। आपको पता है ना ये बात? थोड़ा अंडर प्ले करते हैं बट ओके। बहुत हंबल है। अपना रिपीट ऑर्डर रेट के बारे में थोड़ा बताइए, आपके कस्टमर कितनी बार 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 ऑर्डर करते हैं? 27% कस्टमर आते हैं वापस। अमेजिंग। चलो मैंने डिसीजन बना लिया है। पहले तो कहना चाहूंगा साना जी, मैं आपसे बड़ा इंस्पायर हुआ।
थैंक यू सर। आप इतना अच्छा कर रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट रेज करना है या नहीं करना। अगर करना है तो ये मल्टीपल कैटेगरी विल बिकम अ प्रॉब्लम बिकॉज देन द स्केल एक्सपेक्टेशन विल बी वेरी हाई और ये नहीं पता कि उसके बाद अर्निंग उतनी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। But I wish you the best of luck and you're doing very well. Thank you, Shaz. Thank you. जब एक इन्वेस्टर आप में पैसे डालते हैं आपके बिजनेस में तभी उनको एग्जिट मतलब जो रिटर्न होता है वो दो तीन यू नो एवेन्यू से मिलता है राइट। एक तो या तो आप और फंड रेज करेंगे और उसमें हमको एग्जिट मिलेगा या कोई बड़ी कंपनी आपको अक्वायर करेगी या तीसरा आप IPO जाएंगे पब्लिक मार्केट में और वहां हमारा स्टेक निकाल के रिटर्न्स कमाएंगे। जब हम कहते हैं कि आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है उसका मतलब ये है कि आप उस साइज तक नहीं पहुंचेंगे जहां हमें ये तीन या चार एरियाज की एक विजिबिलिटी होगी और इसके वजह से आई एम आउट। थैंक यू। थैंक यू असाना एंड विशाखा। आई एम आल्सो आउट। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ब्रांड स्ट्रेटजी लगी। अगर आप बोलते कि मैं खाली प्लस साइज हूँ देन आई वुड हैव लुक्ड एट इट एक एंगल से, लेकिन आपने बोला कि मैं प्लस भी हूँ और ब्रांड भी हूँ। बट ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक्स। आप यहाँ तक आ गए हो ये बेमिसाल बात है। 30% मार्जिन लाना कोई मजाक नहीं, लेकिन यहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कस्टमर के दिमाग में एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक क्लीन और क्लियर इमेज लेकर नहीं आते, आज वो बात नहीं दिख रही है। इस वजह से मैं आउट हूं। देखिए मैं ऑफर देना चाहूंगा आपको। इस केस में क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग का गेम है, आपको अपना गेम आता है फैशन का, मेरा गेम है डिजिटल मार्केटिंग का और मुझे लगता है मैं आपकी काफी हेल्प कर देता हूँ इन बूस्टिंग द सेल्स फ्रॉम करंट नंबर्स टू मच हायर। आपकी जो आस थी वो थी 40 लाख पे 5%। इतने कम इक्विटी में इतनी मेहनत करने का मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगा 40 लाख फॉर 20%। ओके। 2 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई मैंने आपकी। हम एक काउंटर ऑफर करना चाहेंगे। कैन वी गेट द सेम अमाउंट फॉर 15%? मैं 20% लेना इसलिए जाऊंगा, बहुत काम करना है मेरे को इसमें सच में और आपको सच में वैल्यू भी दे पाऊंगा मेरे व्यू में। देखिए ये अभी बिजनेस एज इज जो है ना अभी इन्वेस्टेबल नहीं है, तो इनका काम है इसको इन्वेस्टेबल बिजनेस बनाना। अभी इट इज अ गुड पर्सनल बिजनेस। सो दैट्स द लास्ट ऑफर। दैट्स द लास्ट ऑफर। लेट्स गो। ठीक है। इट्स अ डील। इट्स अ डील। इट्स अ डील। पक्की। ऑसम। Amazing. Great guy. अब आपके साथ अमित आ गए हैं, अब रबर रखो। In a good way. You're an inspiration. Thank you. Congratulations. Thank you. Keep rocking and looking forward thank to working with you. Thank you so much. Thank you so much. All right, guys. Yeah.